नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। दोस्तों, कभी कभी मामूली से बात पर ऐसा एक्शन लेती है पुलिस की सब कुछ सबक मिल जाए। जैसे चलती बाइक पर प्रेम लीलाएं करते युगल आपको आजकल कई बार दिख जाए और फिर पुलिस ने उन पर जिस तरह से कार्रवाई की, सबको एक सबक मिल ही जाता है कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, इस पर सजा हो सकती है। ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपको समझा रही हूँ, लेकिन कभी कभी वही पुलिस ऐसी धर्मात्मा बन जाती है कि समझ ही नहीं आता। अब देखिए, आप ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो राजस्थान के शोभा सर का बताया जा रहा है, जो बीते एक दिन से लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शोभा सर में रॉयल्टी ठेकेदार की दबंगई का ये सिर्फ नमूना भर है, जहां ट्रक ड्राइवर को मारपीट कर मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विभाग राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस की टीम भी हरकत में आ गई और टीम ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद पहले एक खबर आई कि पुलिस ने तीन दबंगइयों को धारा 151 के तहत डिटेन कर लिया है, लेकिन बाद में पुलिस ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। दरअसल वीडियो की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने परिवादी से संपर्क किया और मारपीट को लेकर जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन इस पर परिवादी ने बताया कि वीडियो में दिख रहे चारों रॉयल्टी सहकर्मी हैं और मजाक में ही ये वीडियो बनाया गया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस संबंध में वो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। हालांकि पुलिस ने ये पोस्ट कर इस वायरल वीडियो की जानकारी सभी के साथ शेयर कर दी है, लेकिन इस वीडियो पर और पुलिस के इस पोस्ट पर अब कई सवाल उठ गए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या पुलिस ने परिवादी के कहने भर से मामले को रफा दफा कर दिया, और दूसरा सवाल ये कि क्या परिवादी और उसके वीडियो बनाने वाले साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, और तीसरा सवाल ये कि क्या पुलिस जैसा दावा कर रही है वही सच है। ये वीडियो मजाक में बनाया गया है, क्योंकि वीडियो को देखकर तो पल भर के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि ये वीडियो मजाक में बनाया गया है। और अगर मजाक चल भी रहा है तो इस तरह के कृत्य पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो सीधा पुलिस प्रशासन और पुलिस के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।